हेलो। तो आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, महाराष्ट्रियन लुक। सबसे पहले हम अपने बालों को सेपरेट कर लेते हैं फेस से, जिससे कि हम मेकअप अच्छे तरीके से कर लें। तो मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ मैं। मॉइस्चराइज़र को कम से कम 2 मिनट तक तो अपने फेस में अब्जॉर्ब कर लेना है, जिससे कि मेकअप का बेस बहुत अच्छा बनेगा। और थोड़ा सा अपने हाथों में भी मॉइस्चराइज़र के लिए लगा लेंगे। और ये रहा फाउंडेशन। फाउंडेशन को कभी भी बहुत कम क्वांटिटी लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा मेकअप बिल्कुल नेचुरल दिखे। तो ये देख सकते हैं कि मैं डिप डिप करके लगा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड भी हल्के हाथों से, कभी भी मेकअप करते समय ब्लेंड हम कुछ भी करते हैं तो हल्के हाथों से ही करें, नहीं तो पूरा प्रोडक्ट ब्लेंडर में ही चले जाता है। ये कंसीलर है हल्का सा। वैसे तो मुझे कुछ आँखों के नीचे काले धब्बे रहते नहीं हैं, तो भी थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, एक अच्छा सा लुक आता है। ये कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। मुझे सिंपल लुक ही करना है, इसलिए मैं ज़्यादा कंटूरिंग या ज़्यादा कुछ मेकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ, और प्रोडक्ट भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि सिंपल मेकअप में जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करें, उतना ही मेकअप अच्छा और नेचुरल दिखता है। ये कंटूरिंग अच्छे तरीके से होने के बाद तो इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड मैंने कर लिया है पूरा। जब ब्लेंड हो जाता है मेकअप, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए 1-2 मिनट के लिए। ये रहा ब्लश। ब्लश को कभी भी डायरेक्ट उठा के नहीं लगाना चाहिए, डस्ट ऑफ करने के बाद ही लगाना चाहिए, नहीं तो पूरा फेस पैची दिखता है और मेकअप भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में मैंने आईब्रो में आई शेडो यूज़ किया है। मैं कभी भी आई शेडो ही यूज़ करती हूँ, पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल, जिससे कि ज़्यादा नहीं दिखता है काला काला। अब ये फाइनल मैंने आई मेकअप हल्का सा किया है। मैंने ज़्यादा आई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल मेकअप करना था। आई मेकअप कभी भी करते समय ध्यान देना चाहिए कि एक जगह पे ही सिर्फ ब्लेंड नहीं करना है, पूरा अपने आईज़ के ऊपर ब्लेंड करना है। ये फाइनल मस्कारा पूरे आँखों में, और लाइनर। लाइनर लगाते समय कभी भी ध्यान आँखें सामने रख के और ध्यान दे के आईलाइनर लगाना चाहिए, जिससे कि आईलाइनर अच्छे तरीके से लग जाता है। ये लिपस्टिक मैंने बनाया है 2 कलर मिला के, बहुत प्यारा शेड दिख रहा है, रानी कलर। मुझे तो बहुत ही ये कलर पसंद आया है। अगर आपको भी अगर ये लिपस्टिक कैसे मैंने बनाया है जानना है, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं।